हे गाइस, जय शिव शंभू। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आईटी सेक्टर का एनालिसिस, निफ्टी आईटी का। अगर आपको लॉन्ग टर्म बाय करना है आईटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक में, तो गाइस क्या ये वक्त अभी सही है बाय करने का? और अगर सही है, ठीक है, या फिर सही नहीं भी है, तब भी हम वो कौन से स्टॉक हैं जिसमें बाइंग कर सकते हैं एंड वो सेफ़ रह सकते हैं हमारे लिए। तो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं नैस्डैक। नैस्डैक क्यों डिस्कस करेंगे गाइस? वर्ल्ड मार्केट है, ठीक है, यूएस का मार्केट है एंड आईटी सेक्टर पे बहुत इम्पैक्ट डालता है ये। तो गाइस, नैस्डैक को जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर गाइस इसका जो मूवमेंट होता है वो हमारे निफ्टी आईटी पे डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। तो इस वजह से गाइस हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नैस्डैक एंड देखेंगे वर्ल्ड मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमने इसका एनालिसिस किया है कुछ, एंड इसको गाइस हमने रखा है इस सेक्शन के अंदर। हमने ये मान के चला कि नैस्डैक यहाँ पर टॉप लगाया था इस लेवल पर। तो गाइस ये नैस्डैक का चार्ट है यहाँ पर, एंड हमने इसमें लेकर चल रहे हैं गाइस टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर लगाया है टॉप। एंड गाइस ये जो एनालिसिस करेंगे हम, ये इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर मार्केट में अभी करंट टाइम है मार्केट में बाइंग करने का या नहीं। तो गाइस यहाँ पर टॉप लगाया, उसके बाद हमने इसको जिगजैग फॉर्मेशन में रखा है, ठीक है। करेक्शन का जिगजैग फॉर्मेशन होता है टॉप से। तो यहाँ पर हमने ए लिया है गाइस, इसको लिया है बी कि मार्केट ने बी कंप्लीट किया यहाँ पे, एंड ये सेक्शन गाइस सी के लिए हैं कि मार्केट यहाँ पर सी कंप्लीट कर ली है। ओके, ऐसा अभी हम लेकर चल रहे हैं। कहाँ पर कंप्लीट करिए गाइस? यहाँ पर, ठीक है, ये फिफ्थ कंप्लीट करिए। एक इसमें सिनेरियो हुए है, एंड एक सिनेरियो गाइस, दूसरा सिनेरियो इसमें यह है, दूसरी कंडीशन इसमें ये है गाइस कि अगर मार्केट ने कंप्लीट नहीं किया तो गाइस अगर मार्केट ने नहीं किया है कंप्लीट, तो ये हमारी टोटल हो जाएगी यहाँ पे थर्ड, ठीक है, ये हो जाएगी फोर्थ, एंड इसके बाद गाइस ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ नीचे की तरफ। तो अगर हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें गाइस यहाँ पर, तो मार्केट में एक नीचे की तरफ का मूवमेंट बाकी है, ठीक है गाइस। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है मूवमेंट, ठीक है, जिगजैग फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है, एंड यहाँ से गाइस ये अभी मे बी शायद अब बुलिश हो जाए और सारे हाई भी तोड़ दे, ऐसा बुलिश हो यहाँ से। एंड अगर इसने नहीं किया है कंप्लीट गाइस यहाँ पर, तो फिर ये यहाँ पे अभी नीचे आ सकता है टॉप को ब्रेकआउट करने से पहले, इसमें एक बार और नीचे की तरफ के मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस टू कंडीशन यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस की, ओके। तो सबसे पहले नैस्डैक की गाइस टोटल डिस्कस करेंगे। अगर आपको नैस्डैक समझ में आ गया तो यहाँ पर ओवरऑल सारा मार्केट इसी की नैस्डैक के थ्रू ही समझ आ जाएगा, ओके। तो गाइस यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो लेवल है, ठीक है, अगर इसका हो जाता है ब्रेकआउट, ठीक है, अगर इसका मार्केट कर देता है ब्रेकआउट, तो फिर हम मानकर चलेंगे कि मार्केट में यस डेफिनेटली बुलिश की तरफ मार्केट जा रहा है। अगर प्रेजेंट पॉइंट से यहाँ से देखें मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है, तो गाइस नैस्डैक में जो बुलिश का मूव आ सकता है, ठीक है, वो आपको लेके जा सकता है यहाँ तक, इस लेवल तक। कहाँ तक? एटलीस्ट यहाँ तक लेके जा सकता है, 16481 तक मार्केट आपको लेके जा सकता है नैस्डैक में, अगर कंडीशन वन हम मानकर चलें, ठीक है गाइस। अभी डिलीट कर देते हैं, एंड अगर कंडीशन सेकंड को हम मानकर चलें कि अभी तक यहाँ पर फिफ्थ वेव कंप्लीट ही नहीं हुई है, ये यहाँ पर थर्ड हुई थी, यहाँ पर फोर्थ है एंड यहाँ पर फिफ्थ वेव है। एंड गाइस फिफ्थ वेव का हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है गाइस, वो ऐसे करके चलता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अभी आप समझ गए होंगे, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई एंड ये 5 हो गई। तो इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले सेक्शन में ये टोटल पूरा मूव कंप्लीट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 5 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस क्या हुआ है? अभी सिर्फ 4 सेक्शन कंप्लीट हुए हैं, 3 यहाँ तक, 4th ये, ठीक है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, थर्ड यहाँ पे हुआ था, फोर्थ यहाँ पे हुआ है एंड अभी फिफ्थ सेक्शन रह गया है। तो हम बात करेंगे सिर्फ फिफ्थ सेक्शन की गाइस यहाँ पर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट 16481 तक बुलिश हो सकता है अगर ये हाई ब्रेकआउट करता है तो, ओके। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं।
अगर इसने सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट को वर्क करना है, नीचे आना है। तो गाइस ये जो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा बुलिश मूव है, एंड इस मूव के अकॉर्डिंग आज हमारा आईटी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा भागा था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो गाइस ये एक क्या कौन सी कैंडल है गाइस यहाँ पर, बुलिश एनगल्फ, ठीक है, बुलिश एनगल्फ की कैंडल है गाइस यहाँ पे। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइम है हमारा वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मार्केट को नीचे आना है तो गाइस आपको ध्यान देना है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। सो हो सकता है आज भी इसमें ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिले, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये ऊपर जाके और फिर यहाँ से नीचे आएगा कंटिन्यू, ठीक है गाइस। एक बार और ड्रॉ करते हैं आपके लिए, यहाँ से ऊपर जाके, ठीक है, कैंडल में भी एक कैंडल बनाए यहाँ पे ऐसे करके, हम ऐसे बना देते हैं गाइस कैंडल, मे भी शायद ऐसी कैंडल ना बने, ऊपर जाके और फिर नीचे की तरफ आएगा और ये लो का ब्रेक डाउन करेगा गाइस यहाँ पे मार्केट। इस कंडीशन में गाइस ये जो लेवल है इसको मार्केट टच नहीं करेगा, ठीक है, इससे पहले पहले मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये ओवरऑल यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया, दो कंडीशन डिस्कस की। अब गाइस हमारी जो सेकेंड कंडीशन है उसको प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस तो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है, आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना कि ये कौन सा पैटर्न है। हम यहाँ पे पैटर्न का नाम नहीं बता रहे हैं, आप कमेंट करके बताना। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग गाइस मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है, एंड इसके बाद मार्केट नीचे रिवर्स हो सकता है अगर ये पैटर्न वर्क करता है, फेल नहीं होता अगर ये पैटर्न एंड वर्क करता है गाइस, तो मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए एंड उसके बाद नीचे आ सकता है। तो गाइस यहाँ पर मार्केट में अभी आपको क्या सुनने मिल रहा हो कि आईटी सेक्टर बुलिश हो गया है, तो फिलहाल आप ये समझ लें कि आईटी सेक्टर का जो ये प्राइस मूवमेंट है अगर नैस्डैक का देखें हम, तो इसे हम बुलिश अभी तो नहीं कह सकते, ठीक है, बुलिश नहीं कहा जाएगा गाइस इसको, ये है एज अ रिट्रेसमेंट आप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एज अ रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आ रहा है। अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, कंडीशन अगर हम सेकंड लेते हैं तो रिट्रेसमेंट के लिए, एंड अगर कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं गाइस हम तो इसे बुलिश कह सकते हैं। कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है गाइस यहाँ पर कि बुलिश हो जाएगा, कन्फर्मेशन चाहिए तो फिर अलग लेवल है, एटलीस्ट इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए तब कन्फर्मेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप कंडीशन वन मानोगे तो गाइस बुलिश कह सकते हैं, एंड कंडीशन टू तो एज अ रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर होगा, बुलिश मूव ही होगा, बट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। ओके गाइस, तो वी होप आपको अभी सिनेरियो समझ आ गया होगा वर्ल्ड मार्केट का। अभी चलते हैं गाइस हम अपने मार्केट में एंड देखते हैं वहाँ पर अपना इंडेक्स, ठीक है, अपना आईटी देखते हैं, निफ्टी आईटी। तो गाइस ये निफ्टी आईटी आ गया, इसको भी वीकली टाइम फ्रेम में ही डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन्वेस्टिंग पर्पस से, ठीक है। एंड गाइस ये टोटल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग का डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो कौन से स्टॉक यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग पर्पस से गाइस हम वीकली टाइम फ्रेम में ही एनालिसिस करेंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि ऑलमोस्ट आप वन ईयर के लिए तो होल्ड करेंगे ही, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी हम यहाँ पर आ गए हैं निफ्टी आईटी में। अगर आप देखेंगे गाइस तो हमने यहाँ पर भी जिगजैग पैटर्न में मार्केट को मार्क किया है, जिगजैग पैटर्न में हमने लिया है, यहाँ पर मार्केट ने टॉप लगाया इस लेवल पे, इसके बाद मार्केट जिगजैग फॉर्मेशन में नीचे आया, यहाँ पर बी बनाया एंड यहाँ पर गाइस कहीं ना कहीं इसने सी कंप्लीट करा। गाइस यहाँ पर भी सेम दो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन वन यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कशन की थी गाइस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था अभी नैस्डैक में, कंडीशन वन के मार्केट बुलिश हो रहा है यहाँ से, ठीक है, एंड कंडीशन सेकंड के अभी बुलिश नहीं है, एज अ रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये हम इसमें कंडीशन दो लेकर चल रहे हैं। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर सी कंप्लीट हो चुकी है एंड ये क्या है, एक न्यू मूव आ चुका है ऊपर जिसका टारगेट है 34159, यहाँ तक आपको ये लेकर जा सकता है निफ्टी आईटी में। ओके गाइस यहाँ पर ये हो गया हमारा पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट बुलिश लेके चलेंगे। अब अगर मार्केट में ये सी यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं हुई है तो गाइस ये लेवल, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, मार्केट ये ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए ऊपर जाएगा और उसके बाद वापस नीचे आ जाएगा और आपको ये लो ब्रेक करेगा,
ठीक है, ये लो ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। एंड गाइस 25702 इसका टारगेट निकल के आ रहा है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है नीचे तक। अब जब यहाँ पे मार्केट होगा तब देखा जाएगा कि मार्केट अभी और नीचे जाने की इसमें चांसेस हैं या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है। फिलहाल गाइस आपके हिसाब से फिलहाल गाइस आपके सामने दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। पहली कंडीशन में मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा एंड इस लेवल तक जाएगा 34159 तक। दूसरी कंडीशन में मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, टच भी नहीं करेगा इसको, थोड़ा सा ऊपर जाके एंड रिवर्स हो जाएगा नीचे की तरफ। तो आईटी सेक्टर में गाइस अभी दोनों ही कंडीशन चल रही हैं, क्लियर कट कोई कंडीशन नहीं है कि मार्केट बुलिश हो गया है या फिर अभी बेयरिश भी होगा, तो ऐसी कोई क्लियर कट कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हमारा हो गया आईटी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर स्टॉक देखें तो गाइस हमने यहाँ पर स्टॉक निकाले हैं, हमने टोटल यहाँ पे गाइस 5 स्टॉक निकाले हैं। ठीक है, पहला है इन्फोसिस निकाला है गाइस, जिसका वेटेज है 26.27%। निफ्टी आईटी में गाइस 26.27% है इन्फी का वेटेज। इसके बाद गाइस हमारा सेकंड है टीसीएस, टीसीएस का वेटेज है गाइस 25.52। ओके, थर्ड हमारा स्टॉक है गाइस यहाँ पे विप्रो, तो विप्रो का अगर आप वेटेज देखेंगे यहाँ पर तो है 8.91। एंड एचसीएल गाइस, एचसीएल अगर आप देखेंगे तो एचसीएल का जो वेटेज है वो है 8.66। और एम्फोसिस का अगर आप देखेंगे गाइस यहाँ पे वेटेज, ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है 4.33। हमने ये 5 स्टॉक क्यों चुने हैं गाइस? ये 5 स्टॉक हमने इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि आपको पता है मार्केट में कंडीशन कितनी है, कंडीशन अभी मार्केट में 2 है, क्लियर कट कोई भी कंडीशन नहीं है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। ये 5 स्टॉक चुनने का गाइस रीज़न ये है कि ये हाई वेटेज स्टॉक है। हाई वेटेज स्टॉक का मतलब आप समझते हैं कि टोटल इंडेक्स अगर आप इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो गाइस ऐड करिए कितना बैठता है ये, तो गाइस ये टोटल बैठ रहा है यहाँ पे 73.69। तो मतलब ये टोटल 5 स्टॉक, इसमें 10 स्टॉक हैं मे बी, शायद आईटी में 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ 5 स्टॉक गाइस 73% होल्डिंग रखते हैं निफ्टी आईटी में। तो ये 5 स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पर, अगर ये डाउन तो मार्केट डाउन, ये अप तो मार्केट अप ज़्यादातर कंडीशन में, ठीक है, ज़्यादातर कंडीशन में अगर ये 5 स्टॉक नीचे तो आपको ये भी नीचे ही दिखेगा इंडेक्स भी, तो अगर ये 5 स्टॉक ऊपर तो मार्केट भी ऊपर। ओके गाइस, तो ये 5 स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो गाइस अगर मार्केट नीचे जाता भी है तो आप इनके साथ सेफ रहेंगे, ठीक है, सेफ क्यों रहेंगे गाइस, क्योंकि हाई वेटेज स्टॉक है, अगर ये गिरा तो फिर पूरा इंडेक्स ही गिर जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर नीचे जाता भी है तो इसमें चांसेस आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा डूब सकता है गाइस, चांसेस कम है, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि हमने बोल दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें सारी बातें बताऊँ, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको इसके रिस्क पता है, लेकिन अगर उनमें से हम देखें तो ये हमारे ज़्यादा सेफली स्टॉक रहने वाले हैं, सेफ स्टॉक रहने वाले हैं जिसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं अगर आप प्रेजेंट पॉइंट पे बाइंग करना चाहते हैं तो। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर एम्फोसिस का चार्ट देखेंगे, ठीक है, तो गाइस ये है एम्फोसिस का चार्ट हमारे सामने। एंड गाइस इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ठीक है, तो सबका गाइस इसमें जो आईटी के स्टॉक है सब में आपको सेम ऐसे ही चार्ट दिखेगा, तो यहाँ पर भी ये टॉप था इसका, ठीक है, इसके बाद मार्केट ने एबीसी करेक्शन किया, ए बी एंड यहाँ पर सी, तो गाइस इसने सी वेव अपनी कंप्लीट कर ली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लोअर लो बना रहा है, बट अगर आप आरएसआई देखें यहाँ पर तो गाइस आरएसआई में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये देखिए यहाँ पर ये बना रहा है बुलिश डाइवर्जेंस, तो गाइस ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश डाइवर्जेंस है गाइस इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे। तो ये एक पहला स्टॉक है जिसमें आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है यहाँ पे तो आप शुरू कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। एंड ये एक अच्छे पॉइंट पे है, यहाँ से आपको ये बॉटम भी हो सकता है इसका, ये हो सकता है कि इसका बॉटम हो, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूव कर सकता है। तो गाइस एक ये चार्ट है एम्फोसिस का, ओके। एंड अगर हम देखें यहाँ पे 200 ईएमए लगा के, यहाँ पे 200 का ईएमए लगा लेंगे गाइस, तो ये 200 ईएमए के गाइस यहाँ पर ऊपर ही है मार्केट में, तो ये एक अच्छा स्टॉक है
ओके बढ़िया स्टॉक है गाइज, यहाँ से ये बुलिश की तरफ मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे गाइज यहाँ पर, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक। तो गाइज HCL टेक देख लेते हैं, तो ये HCL टेक है गाइज यहाँ पर। HCL टेक में भी गाइज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है मार्केट। इसमें भी गाइज सेम दो कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन है ये कि मे बी मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है मूव। ओके मार्केट ने कंडीशन जैसी गाइज हम इंडेक्स में डिस्कशन कर रहे थे, पहली कंडीशन यहाँ पर जो करेक्शन है, ठीक है, जो करेक्शन है गाइस वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एंड सेकंड अभी इनकम्प्लीट है, करेक्शन अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है गाइस। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो गाइस अगर इसने कंप्लीट नहीं किया है करेक्शन, तो मार्केट क्या करेगा, मे बी इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है गाइस यहाँ पे ये लेवल निकल के आ रहा है। ओके तो गाइज यहाँ पर कुछ ऐसा मूव निकल के आ रहा है कि ये 1, 2 एंड 3 यहाँ पर, फिर गाइज 4 एंड फिर मे बी 5, ठीक है। तो HCL टेक में ऐसा कुछ मूवमेंट हो सकता है गाइज। कंडीशन यहाँ पर दो हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहली कंडीशन करेक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड कंडीशन अभी इनकम्प्लीट है करेक्शन गाइज। तो अगर कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको 755 तक ये नीचे लेकर आ सकता है, ठीक है गाइज। तो गाइस अगर आपको इसमें बाय करना है तो आप इसमें भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आप इसमें कंटिन्यू बाय कर सकते हैं। ये आपको एटलीस्ट 1080 तक तो लेकर जाएगा एंड थोड़ा बहुत नीचे करेक्ट करके वापस और ऊपर की तरफ आपको लेकर जा सकता है HCL टेक। ओके गाइस, तो मे बी आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है, तो ये आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है गाइस। स्टॉप लॉस आपका ये रहने वाला है इसका लो। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो आप चाहें तो गाइज़ अगर आप निकालना चाहते हैं अपना पैसा तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से नीचे जाके, और हमने ये बनाया गाइज़ यहाँ पे नीचे जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर आके और फिर नीचे जाके ऐसे करके यहाँ से ये डब्लू का फॉर्मेशन बना के यहाँ से रिवर्स हो सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर गाइज़ आप ये टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय करने के बाद आप छोड़ सकते हैं मार्केट को इस पूरे फॉर्मेशन के लिए, तो आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्रेजेंट पॉइंट से बाय कर सकते हैं एंड ऊपर जाता है तो बढ़िया, ठीक है, एंड अगर नीचे आता है गाइस इसके नीचे तो आप निकल भी सकते हैं एंड दोबारा से जब आपको यहाँ से बुलिश मूवमेंट दिखाएगा तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक ये भी एक अच्छा स्टॉक है गाइस, HCL टेक 8.66 का इसका वेटेज है। एंड अगर गाइस हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है गाइस हमारा यहाँ पर विप्रो देख लेते हैं। इसका भी वेटेज गाइस 8.91% है, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो गाइस यहाँ पर ये विप्रो का स्टॉक है एंड विप्रो में भी गाइस मे बी यहाँ पर अगर आप देखें विप्रो को, तो इसने भी अभी अपना ये सेक्शन कंप्लीट किया नहीं है, ठीक है ना, जो ABC करेक्शन होता है इसका वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, जिसके टारगेट निकल के आ रहे हैं गाइस ये लेवल पे, ठीक है, क्या आ रहे हैं 308, ये इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 200 EMA के गाइस सपोर्ट पर ही है ऑलमोस्ट विप्रो भी, तो यहाँ पर इसकी एक अच्छी बाइंग की पोजीशन बन सकती है गाइस। सेम दो कंडीशन इसमें भी है, सिर्फ गाइस एम्फोसिस एक स्टॉक है IT सेक्टर में जिसमें दो कंडीशन नहीं है, अदरवाइज आपको सारे स्टॉक में ये दो कंडीशन मिलने वाली हैं जो हमने इंडेक्स का एनालिसिस करते वक्त डिस्कस की थी आपके साथ, नेस्डेक के साथ एंड निफ्टी IT में जो हमने दो डिस्कशन किए थे, वो डिस्कशन आप समझ लीजिए पूरे इन पांचों स्टॉक में से सिर्फ एक स्टॉक में नहीं है, अदरवाइज पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन दो बाकी के चारों स्टॉक में है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने भी यहाँ पर ये 1 कंप्लीट किया, ठीक है, 1 हो गया, ये 2 कंप्लीट की, उसके बाद गाइस ये 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 3 का टारगेट गाइस यहाँ पर आ रहा है इसका 308, यहाँ पर ये कंप्लीट करेगा 3, उसके बाद 4 एंड फिर 5, ऐसे करके मूव आएगा गाइस इसमें। तो अगर आप इसमें अच्छा स्टॉक है गाइस विप्रो नीचे अगर जाता भी है तो आपको देखना है, हम आपसे बोल चुके हैं गाइस यहाँ पर अगर आप इस मूव के लिए छोड़ सकते हैं स्टॉक को लेकर, तो आप वेट कर आप यहाँ पर अभी बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो गाइस आपको बता दिया 308 या फिर थोड़ा बहुत इससे नीचे भी जा सकता है, अदरवाइज़ फिर उसके बाद यहाँ से अच्छा एक बुलिश का मूव इसमें देखने के लिए मिल सकता है।
एंड गाइस इसमें आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं इन दो इन सारे स्टॉकों में। जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था SCL, उसमें भी गाइस एक हाई था यहाँ पर, इस हाई का ब्रेकआउट होने दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट होने दीजिए, अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तब बाइंग कर लीजिएगा, ठीक है, एंड फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव हो सकता है, ठीक है गाइस। एंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है तो यहाँ पर कोई टारगेट देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म की बाय हो रही है तो टारगेट का इसमें कोई इशू बनता ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर दो कंडीशन है, अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, कब तक, ये जब तक हाई नहीं जाता, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना है तो मे बी यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है गाइस, ऊपर जाके भी नीचे आएगा तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये दिखा रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, इसके ऊपर जाने का वेट कर सकते हैं, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो बाइंग करेंगे। अभी अगर बाय कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में तो आपको 422 का चल रहा है ये, तो इसके आसपास ही आपको बाइंग का मौका मिल जाएगा यहाँ पर। अगर मार्केट, आपको बस माइंड में ही ध्यान रखना है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ टूटता है, इससे नीचे टूटता है गाइस, तो लगभग आपको 100 पॉइंट्स का यहाँ पर लॉस हो रहा होगा बस। अगर आप ये 100 पॉइंट का लॉस झेल सकते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, यहाँ पे मार्केट कितना टाइम लगाता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ उठेगा गाइस तो इसमें अच्छा खासा फिर बुलिश का मूव शुरू हो सकता है। कंडीशन दो हैं गाइस, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है सी वेव यहाँ पे, एंड मार्केट कंटिन्यू बुलिश करेगा और हाई ब्रेक कर देगा, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके मे बी शायद नीचे आ जाए। तो गाइस ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी है, ठीक है गाइस। इसमें जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे TCS। तो गाइस TCS 200 EMA के ऊपर, ओके, तो अगर आप TCS देखेंगे गाइस तो TCS में भी आपको सेम सिनेरियो दिखने वाला है, ठीक है। तो गाइस TCS में आपको क्या करना है यहाँ पर गाइस, इसमें है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन 3357, इसमें भी गाइस कंडीशन पूरी दो रहने वाली है। पहली कंडीशन करेक्शन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, सी वेव कंप्लीट हो गई है, ये हमारी ए हो गई, ये बी हो गई, एंड ये यहाँ से यहाँ तक सी हो गई, ठीक है, ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई, सी वेव कंप्लीट हो गई गाइस। अब मार्केट ये ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ जाके हाई वगैरह सब तोड़ देगा, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन गाइस, यहाँ पर मार्केट नीचे आया है, सिर्फ यहाँ तक जाएगा 3357 और इसके आसपास तक जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा टारगेट कंप्लीट करने यहाँ तक 2802 तक गाइस, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाइंग करने का सिनेरियो गाइस, अगर आपको बाय करना है तो आपको इसके ऊपर बाय करना चाहिए, ठीक है। आप प्रेजेंट पॉइंट पर बाय करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जाके नीचे आ सकता है, अगर आप ये जो लॉस है, ठीक है, ये झेल सकते हैं आप, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म बाय करना है या फिर शॉर्ट टर्म बाय करना है, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो गाइस आप यहाँ पे प्रेजेंट पॉइंट पे बाय कर सकते हैं सेफ्टी के लिए गाइस, इसका हाई का ब्रेकआउट होगा तब बाय कर सकते हैं, अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर आपको तो बहुत बढ़िया बात होगी, 2800 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं TCS में। फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर आपको हमने नैस्डैक दिखाया, ठीक है, नैस्डैक भी दिखाया आपको, ओके, आपको निफ्टी IT भी दिखाया और अब आपको स्टॉक भी दिखा रहे हैं। तो मोस्टली स्टॉक एंड ये इनका जो मूवमेंट है वो एक जैसा हो रहा है गाइस, सभी में ये मे बी मूवमेंट आ सकती है डाउन साइड की, एक बार एक और इसमें डाउन साइड का एक बार मूव आ सकता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा TCS हो गया, नेक्स्ट स्टॉक है गाइस हमारा यहाँ पर इन्फोसिस, सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है गाइस इसकी, ओके। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन दिखने वाली है। तो गाइस अगर आप देखें यहाँ पर ये कंप्लीट कर चुका है, इस लेवल पे अपनी सी वेव कंप्लीट कर चुका है, बट क्योंकि यहाँ पर गाइस ये इम्पोर्टेंट स्टॉक है इस सेक्टर का, ठीक है, अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पर भी गाइस आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये लेवल 1589। मे बी मार्केट ऊपर जाके और फिर नीचे की तरफ एक बार और आ जाए, वैसे ही कंप्लीट कर चुका है गाइस, ठीक है, चांसेस इसमें कम है, लेकिन अगर इसको आना हो गाइस, क्योंकि निफ्टी IT का मेन स्टॉक है ये, ठीक है, मेन स्टॉक है गाइस निफ्टी IT का, ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है 26.27% इसकी। तो अगर निफ्टी IT गिरता है गाइस तो मे बी शायद ये गिरेगा, इस मे बी चांसेस कम है क्योंकि कंप्लीट कर चुका है, ओके।
बट यहाँ पर जिस तरीके से इसने इसको कंप्लीट किया है, बस ये चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है, इसकी वजह से इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अदरवाइज इसमें का इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसने ऊपर के टारगेट अभी कंप्लीट नहीं किए हैं बस, तो वैसे यहाँ पर भी आपको सेम सिनेरियो दिखेगा, इसमें भी इसने कंप्लीट तो कर ली अपनी सी वेव, लेकिन यहाँ पर सेम सिनेरियो गाइस, जब तक आप वेट कर लीजिए या तो इसके ऊपर चला जाता है फिर आप बाइंग कर सकते हैं इसमें, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ वेट कर लीजिएगा इस 1589 इसके आसपास आके मार्केट क्या करता है। अगर आप देखेंगे गाइस यहाँ से लगभग बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं यहाँ के आसपास क्या करता है, अगर रिवर्स होता है गाइस तो फिर आप वेट कीजिए, मार्केट में भी ये लो तोड़े और नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। फिर यहाँ से जो हमें रिवर्सल मिलेगा गाइस तब हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज़ आप होल्ड कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट पॉइंट पर भी ले सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, मेन स्टॉक है, हाई वेट लीजिए गाइस। अगर ये गिरा समझ लो, अगर ये डूबा, अगर पैसे डूबने वाली अगर बात करते हैं आप, तो अगर ये डूबा तो फिर पूरा आईटी सेक्टर डूब जाएगा ना, ठीक है। तो गाइस सेफ है, तो आपको हमने 5 स्टॉक जो बताए हैं टोटल, वो टोटल फिलहाल डेटा के अकॉर्डिंग सेफ स्टॉक हैं गाइस वहाँ पर, ठीक है। हमने क्यों लिए हैं गाइस, सिर्फ एक वजह से लिए हैं, क्योंकि उनका जो वेटेज है वो हाईएस्ट है, तो हमने सिर्फ हाई वेटेज स्टॉक को ही यहाँ पर एनालिसिस किया है आपके सामने, कि आप इनमें से कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, सेफ्टी का पर्पज़ हमने सिर्फ रखा है हाई वेटेज स्टॉक, ठीक है, क्योंकि ये निफ्टी आईटी के मेन स्टॉक है, ओके गाइज। तो इन्फोसिस में भी गाइज आपका सेम ही सिनेरियो आपको बता चुके हैं, या तो इसके ऊपर आने दीजिए तब बाय कर लीजिएगा, प्रेजेंट पॉइंट पे बाय करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से जाके अगर मगर नीचे की तरफ आता है तो अगर आप ये इस पूरे मूव में नेगेटिव में रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बाद में तो ये मार्केट फिर यहाँ से बुलिश ऊपर की तरफ उठेगा ही, ठीक है गाइस। एंड ये भी 200 EMA के ऊपर ही है, तो एक अच्छा स्टॉक है गाइस टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी। तो गाइस ओवरऑल यहाँ पर हमारा ये एनालिसिस था, ठीक है, क्लियर कट आपको नहीं बता पाए क्योंकि अभी तक आपको पता है नैसडैक ही क्लियर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नैसडैक क्लियर नहीं है, निफ्टी आईटी क्लियर नहीं है, एंड स्टॉक्स स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, इलियट वीक थ्योरी के अकॉर्डिंग गाइस जो होनी चाहिए वो भी अभी क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो क्लियर कट नहीं बता सकते कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट है। टोटली जो एम्फोसिस है, एम्फोसिस ने गाइस यहाँ पर कंप्लीट किए हैं प्रॉपर तरीके से अपने, एंड वो रिवर्सल भी दिखा रहा है, तो ये एक स्टॉक है जिसने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है। सेकंड इन्फोसिस भी है गाइस यहाँ पर, बट इन्फोसिस मेनली इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इसने यहाँ पर ये मूव अच्छा नहीं किया, ठीक है, ये मूव इसने थोड़ा सा इस मूव में इसके प्रॉब्लम है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें इसको भी शक के सेक्शन में रखना पड़ रहा है, ठीक है, मे बी शायद ये नीचे आ जाए, ठीक है। अगर ये मूव थोड़ा ऊपर हो जाता ना यहाँ पे, एंड ये यहाँ तक रहता, ये इतना नीचे नहीं आता, तब ये बढ़िया स्टॉक हो जाता, लेकिन इन्हें नीचे आ गया ना यहाँ पे, तब इसने यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी यहाँ पर, ठीक है ना गाइस, तो इसलिए इसको भी हमने थोड़ा शक के दायरे में रखा हुआ है, ओके गाइस। तो ये आपके लिए वीडियो बन चुकी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, कुछ भी ना समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो चाहिए किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, तो गाइज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस सेक्टर से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ओके गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय शिव शंभू।